तो टमाटर में बहुत तरह के कीट और रोग लगते हैं जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, जिसके बारे में किसान भाई बहनों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि टमाटर में लगने वाले कीट और रोग से उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। सफ़ेद मक्खी सफ़ेद छोटे छोटे कीट होते हैं जो पौधों से उनका रस चूस लेते हैं। इनसे पत्तियों के मुरझाने वाली बीमारी मोज़ेक फैलती है। रोकथाम के लिए फसल बढ़वार की आरंभिक अवस्था में 0.5% रोगी या मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव करें। किसान भाइयों, जैसे आप जब फसल रोपाई कर लेंगे उसके बाद टमाटर में मुख्य रूप से बरसात के दिन में एक जो है पत्ती सुरंग कीट, लीफ माइनर कीट बोलते हैं, पत्ती के ऊपर जो है धारी धारी बना रस चूसते जाता है और वो धारी धारी बना लेता है। तो उस कीट का नियंत्रण के लिए है कि पहले तो उस तरह का पत्ती को जो है जिस पर कीड़ा है उसको कटाई छटाई करके हटा दे। उसके बाद डेसिस नामक दवा जो है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसका छिड़काव करें। उसके साथ साथ कन्फिडोर नामक दवा जो है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो लीफ माइनर कीट से आपको नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा कीट सबसे ज़्यादा आता है फल छेदक, और बरसात के दिनों में खास करके आपको फल छेदक कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जब फल आने से पहले, जब आप अब किसान भाई आपको ध्यान तब आता है जब फल में छेद कर देता है। हमको मान के चलना है कि टमाटर में जब बरसात में लगा रहे हैं तो टमाटर के फल में उस फल छेदक कीट आएगा ही, तो जैसे ही फूल आना शुरू होता है तो उस समय से जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पर इंडोक्सा कार्ब नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, या जो है इमेक्टा बेंजोएट जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। जिस समय कीट का प्रकोप कम है तो आप नीम आधारित दवा जो है बाजार में उपलब्ध है 4 से 5 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो उस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और अपने खेत के आसपास सफाई भी न रखें, जिससे कि जो है आप दवा जब छिड़काव करते हैं तो कीट जो है घास पर चला जाता है। अगर आपके खेत के आसपास जो है घास नहीं रहेगा तो आपका जो है कीट का जो है जगह नहीं मिलेगा, उसको ठहरने का जगह नहीं मिलेगा। एक और है टमाटर में कि अगर टमाटर के चारों तरफ आप बाउंड्री कर देते हैं गेंदा फूल का, पीला वाला गेंदा फूल का, और हर एक 4 से 5 लाइन के बाद 1 लाइन अगर आप गेंदा का फूल लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि टमाटर का फल छेदक कीट जो है वो गेंदा के फूल पर चला जाता है, और बिना रासायनिक दवा का जो है टमाटर में फल छेदक कीट को आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो